हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अभी सब सोच रहे होंगे क्या ये इस तरह का गेटअप में क्या है। एक्चुअली मैं अभी एक राइड से ही वापस आया हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था उसी के ऊपर मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो अभी थोड़ा यहाँ पे अच्छे से बैठ लेता हूँ, नहीं तो सर घूम रहा है। क्योंकि 240 किलोमीटर का सोलो राइड था, कुछ काम के लिए गया था, और मैं जो भी काम के लिए जाता हूँ उसके बाद मैं उसको राइड पर ही कन्वर्ट करता हूँ। मैं तब तक मतलब आके ही बस इसका ऊपर में जो पहना था जैकेट उसी को ही उतारा हूँ। जैकेट का वीडियो है, मैं कौन सा वाला जैकेट लिया हूँ, क्या है क्या नहीं, उसका डिटेल्स अगले वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले जो बेसिक चीज़ का ज़रूरत है, वो बेसिक चीज़ के ऊपर में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बस वही चीज़ आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हेलमेट निकाल देता हूँ, और मेरा सिंगल रिक्वेस्ट रहता है कि भाई लोग, हर कोई अभी तो हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, भाई हेलमेट जो भी यूज़ कर रहे हैं काइंडली ये स्ट्रैप को लगाइए। क्योंकि रास्ते में जाने का टाइम पे एक छोटा मोटा इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मतलब एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, इसके पास में ये स्ट्रैप नहीं लगा था, जिसकी वजह से उसका हेलमेट मुंडी से निकल गया और सडनली जाके वो एक छोटा वाला पत्थर था, भगवान करके वो बड़ा पत्थर नहीं था, फिर भी यहाँ पे उनका साइड पे पड़ गया था और ब्लीडिंग होना चालू हुआ। वो देख के मतलब मेरा पूरा दिमाग सड़ गया, मतलब तभी से ही मैं देख के इसको लगा कह रहा हूँ। रास्ते में भी जिसका भी नहीं लगा है देख रहा हूँ, तो उनको बता रहा हूँ भाई इसको लगा दीजिए। और बहुत सारे बंदे ने पूछ रहे थे कि भाई आपने जो शॉट का हेलमेट लिए हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है, क्या बेनिफिट्स है और इस पर क्या डिमेरिट्स है। क्योंकि ये हेलमेट का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, और इसका अंदर का जो कुशन है दैट्स अमेजिंग है। क्योंकि 1800 या 2000 का बजट में ऐसा वाला कुशन मिलना और इस तरफ का कंफर्ट मैं तो आज तक कभी देखा नहीं हूँ। 1800 के अंदर पे, उससे ज़्यादा बजट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। इस पर जो है कि इस पर क्या है, मैं आपको एक ही चीज़ बता दे रहा हूँ कि भाई इसका जो ये वाला जो है कि ये डे वाला भाइजर है, हेलमेट के साथ में इनबिल्ट आता है डे वाला भाइजर। तो जो लोग रात में इसको राइड करते हैं थोड़ा बहुत उनके लिए डिफिकल्टी रहता है, तो उसके लिए उन लोगों को लगा देना पड़ेगा वो फॉइट वाला भाइजर, जो कि डे और नाइट के लिए यूजेबल रहेगा। लेकिन मैं इसी को इसीलिए अब तक चेंज नहीं किया हूँ कि मेरे पास में स्पेयर है। जब भी मैं रात में निकलता हूँ, मोस्टली मैं रात में निकलता नहीं हूँ, रात में निकलता हूँ तो मैं कार लेके जाता हूँ, बाइक में निकलता हूँ तो ये भाइजर जो है चेंज कर लेता हूँ। बहुत दो तीन दोस्तों ने मेरे ये हेलमेट लेके वही चीज़ पूछा, यार तुमको रात में दिखाई कैसे देता है, पर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं सबको बताता हूँ, मैं ये वाला हेलमेट में कभी रात में निकलता नहीं, मेरे पास में दूसरा हेलमेट है, नहीं तो मैं भाइजर चेंज कर लेता हूँ। और एक चीज़ ये होगी कि ये सामने वाला वेंटिंग, ये जो है वेंट, इसके वजह से मतलब आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब वेंट जो हवा जब अंदर जाता है। और ये सामने का जो क्लिप है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे और यहाँ पे, इसके वजह से मतलब बहुत सारे बंदों का ऐसा रहता है कि पूरा अंदर वाला पसीना से भीग जाता है, उस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम इस पर नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। पीछे में भी इसका वेंट है। ओवरऑल मेरे ख्याल से 1800 के अंदर पे मैं इसका रेटिंग आउट ऑफ 5 4.6 4.7 तो ज़रूर दे दूंगा दिन का यूज़ के लिए, और रात का रहेगा तो पॉइंट वाला भाइजर यूज़ कर देंगे तो एकदम एक्सीलेंट, वही 4.7 4.8 तक हम लोग इसको रेटिंग दे सकते हैं। क्योंकि मैं दूसरा, मेरे पास में इसके पहले स्टील बॉट का हेलमेट था, और एक भी स्टॉट का था जो कि ओपन फेस वाला था, उसको मैं यूज़ करता था तो मेरा मतलब पसीना से पूरा का पूरा बाल भीग जाता था। अभी तो है कि ये वाला प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया अपना हेलमेट के बारे में। मैं जो यूजर फ्रेंडली है, मतलब जो लोग अभी ग्लोव्स के ऊपर मैं एक बार बात कर लेते हैं। भाई ये जो मैं ग्लोव्स लिया हूँ ये प्रो बाइकर का ग्लोव्स है, नॉर्मली ये शॉप में मिल जाता है 499 में, और इसको मैं फ्लिपकार्ट से लिया था तकरीबन 310 या 315 इसी के बीच में कुछ आया था। तो मैं इसका आज का जो परफॉर्मेंस है और इसका क्यों हम लोग ग्लोव्स यूज़ करते हैं, बस वही उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्योंकि मैं तो काफ़ी दिन से ग्लोव्स यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो हर कोई बोलते हैं यार तुमको क्या बाजार मिलता है, तुम वो ग्लोव्स यूज़ करते हो, बोला नहीं यार ग्लोव्स यूज़ करना ही बेहतर है। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्लोव्स है, ग्लोव्स हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो मतलब यहाँ पे ये हम लोग का ये जो हाथ पाम है ये बहुत ही प्लेन है, इसको हम नीचे में कहीं पे रगड़ेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर में स्क्रैचेस आ जाएगा। वही सेम चीज़ है, हम लोग वो एक्सीलेटर को पकड़ के कैसे हम लोग इतना देर तक वही काम को कर सकते हैं, तो वो तो करना हमारे लिए ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग को इसीलिए ही और मोस्टली हम लोग प्रीफर करते हैं कि नहीं, हम लोग इस पर ग्लोव्स यूज़ करना ही बेहतर है। क्योंकि इसका जो फ्रंट फेस है इस पर थोड़ा बहुत रॉबिंग जैसा दिया है, और ये तो स्टार्टिंग एंट्री लेवल का ग्लोव्स है, मतलब इसको आप तुम डेली यूजेस पे यूज़ कर सकते हो। इसके आगे में और कुछ अपडेटेड वाला बहुत ही है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला मैं बस सिटी के लिए ये किया हूँ, मैं दूसरा वाला एक है अच्छा वाला ऑर्डर किया हूँ, अब तक मेरे पास में पहुँचा नहीं है। और इस पर जो है कि सामने में यहाँ पर जो दिया है रिस्क के ऊपर में यहाँ पर जो प्लास्टिक्स दिया है ये इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बस इससे तो बच सकता है, मतलब खाली हाथ में, जैसे दोनों हाथ में मैं गिरूंगा तो ये खाली हाथ में डायरेक्टली यहाँ पे लग सकता है, और यहाँ पे तो कम से कम
ये वाला तो मुझे तो बचा सकता है, वही चीज़ है। और यहाँ पे वेंटिंग के लिए थोड़ा बहुत भी दिया है यहाँ पे प्लास्टिक का, और यहाँ पे जो रबर्स दिया है ये बस 300 पे जो है कि डेली वेजेस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं उनको काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, इस पे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। मतलब आप एक बार गिर गए या हाथ में कहीं पे चोट लग गया, उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ में ऐसे पहले हो चुका है। क्योंकि 6 साल पहले जब मैं ग्लोव्स यूज़ नहीं करता था, एक बार मैं ऐसे ही बाइक से गिरा था, कॉलेज का टाइम भाई ये बात था, मैं आज तक किसी को भी बताया नहीं हूँ, मैं कॉलेज का टाइम पे मैं गिरा था, बहुत अच्छे से मेरा मतलब इंजुरी हुआ था, हाथ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, ये सारे चार प्लेसेस मेरा पूरा का पूरा उखड़ गया था। उसके बाद से मैं एल्बो हो गया, एल्बो का जो सेटअप रहता है ये ग्लोव्स, फिर नी और नी का जो सेटअप है वो सब मैं पहन के ही गाड़ी भगाता हूँ। और अभी तो मतलब जैकेट का भी ये सोच लें भाई, सेफ्टी तो पहला ही है, सेफ्टी नहीं रहने से ना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। मेरा तो जैकेट ऑलमोस्ट आने वाला है और एक दो दिन पे शायद पहुंच जाएगा। जैकेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में कम से कम बता दीजिए कि मैं जैकेट का जो है डिटेल्स में बता दूंगा, क्या है जैकेट्स पे, कौन सा वाला लिया हूँ, प्राइस कितना है, और हम लोगों का लोकेशन पे कहाँ पे मिलता है, ऑनलाइन पे भी कहाँ पे मिल सकता है। इतने सारे मेरे पास में जो जो डिटेल्स रहेगा मैं आप लोगों के साथ में फ्रीली शेयर कर लूँगा, क्योंकि ये वीडियो से कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। और कुछ लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं भाई, जिन लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करने के लिए मत भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट में नीचे में बताइए कि क्या चीज़ इस पर अच्छा लगा। और जो जो लोगों को इसका ज़रूरत है मेरे को डायरेक्टली कमेंट में बता सकते हैं, हो सकता है तो मैं भी आप लोगों के पास में डायरेक्टली शिपमेंट भी पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं वो सब के ऊपर मैं भी अभी वर्कआउट कर रहा हूं, कैसे ये गैजेट्स जो है आप लोगों के पास में डायरेक्टली शिपमेंट में पहुंचा सकूं, उसके लिए भी कुछ प्लानिंग है, अभी बड़ा सा चल रहा है, तो शायद और 3-4 महीने के अंदर में मैं उसको क्लियर आउट कर लूँगा। राइड सेफ रन, ये जो कोरोना का सिचुएशन अभी चल रहा है उस पर सब लोग ध्यान देके रहिए और अच्छे से केयरफुल रहिए, आप भी अच्छे से रहिए और आपको फैमिली को अच्छे से रखिए। टेक केयर, बाय बाय।